Hello students, today we start next question of indices. So question number 18 is A inverse upon A inverse plus B inverse plus A inverse upon A inverse minus B inverse is equal to 2B square upon B square minus A square. हमें क्या करना था इसमें? Left hand side is equal to right hand side के equal बनाना था. तो देखो ये चीज़ क्या है हमारे पास? Left hand side. तो जब हम इसको solve करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? A inverse का formula होता था 1 upon A. ठीक है, तो हम लिख लेंगे left hand side क्या जाएगा? A inverse को हम लिख लेंगे 1 upon A. अपॉन में ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, इसको हम लिख लेंगे वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी, प्लस अगेन ए इनवर्स को लिख लेंगे वन अपॉन ए, अपॉन में आ जाएगा वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी. ये चीज आ गई हमारे पास. अब क्या करेंगे? देखो न्यूमिरेटर वैसे ही रहेगा वन अपॉन ए अपॉन, डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे. किसका? ए बी का. तो एलसीएम आएगा ए बी हमारे पास, ए से ए कैंसिल, कितना आ जाएगा? बी प्लस बी से बी कैंसिल, ए आ जाएगा. प्लस यहाँ पर भी वन अपॉन ए अपॉन में एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास ए बी. ऊपर कितना आ जाएगा? न्यूमिरेटर में ए से ए कैंसिल तो बी माइनस ए. ये चीज आ गई. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? वन अपॉन ए. जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी न्यूमिरेटर में चला जाएगा, आ जाएगा ए बी अपॉन बी प्लस ए, प्लस यहां पर आ जाएगा वन अपॉन ए इंटू ए बी अपॉन में आ जाएगा बी माइनस ए. अब यहां पर देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, हमारे पास रहा क्या? लेफ्ट बी अपॉन बी प्लस ए प्लस बी अपॉन बी माइनस ए. अब हम अगेन क्या करेंगे? यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो जब हम एलसीएम लेंगे कितना आएगा? बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए. बी प्लस ए से बी प्लस ए कैंसिल तो बी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, बी माइनस ए को, प्लस बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल तो आएगा बी इंटू बी प्लस ए. ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे. बी से बी को मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी अपॉन में कितना आएगा? अब यहां पर था बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए. किस चीज का फॉर्मूला बनता है ये? बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए. तो ये आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, आइडेंटिटी होती थी हमारे पास, तो आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर. ठीक है, अब देखो माइनस ए बी था, प्लस का ए बी है, ये क्या हो गया आपस में? कैंसल. तो कितना आ गया हमारे पास? बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, कितना बन जाएगा ये? टू बी स्क्वेयर अपॉन में कितना आ गया हमारे पास? बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर. ठीक है, और अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो राइट हैंड साइड में भी हमारे पास टू बी स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ही था. तो क्या लिखेंगे हम लास्ट में? देयर फोर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड. ये चीज क्या होगी? प्रूव्ड होगी हमारे पास. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास. प्रूव दैट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पार बी माइनस ए प्लस एक्स की पार सी माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पार ए माइनस बी प्लस एक्स की पार सी माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर बी माइनस सी प्लस एक्स की पार ए माइनस सी इज इक्वल टू 1. क्या करना था हमें? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बनाना था. तो यहां पर हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन, अब देखो यहां पर क्या था? 1 प्लस एक्स की पावर प्लस एक्स की पावर बी माइनस ए. तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम एक्स की पावर बी डिवाइड में एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पार सी अपॉन में आ जाएगा एक्स की पार ए. ठीक है, प्लस सेम नेक्स्ट भी ऐसे होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पार सी अपॉन एक्स की पार बी प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर सी. ये आ गया. ये क्यों लिखा? एक्स की पावर बी माइनस ए. तो इसको क्या लिख सकते थे हम? जैसे ये वाला है सिंपल, x की पावर b माइनस ए, तो ये हो जाता है x की पावर b अपॉन x की पावर a. इनवर्स मेथड, डिवाइड में लिख लेते हैं हम इसको. ठीक है, अब क्या चीज आ जाएगी हमारे पास? 1 अपॉन में देखो हम इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम. तो एलसीएम कितना आएगा? x की पावर a. तो कितना बन जाएगा? x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c प्लस
वन अपॉन, अगेन यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर बी, तो आ जाएगा एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर सी प्लस वन अपॉन, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा एक्स की पावर सी, तो बन जाएगा एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए, ये चीज आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की पावर ए हमारा ऊपर चला जाएगा न्यूमिरेटर में, कितना आ जाएगा एक्स की पावर ए अपॉन में आ जाएगा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर बी ऊपर चल जाएगा, तो एक्स की पावर बी अपॉन में आ जाएगा एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर सी प्लस अगेन एक्स की पावर सी न्यूमिरेटर में चला जाएगा, तो एक्स की पावर सी अपॉन में आ जाएगा एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए। अब देखो यहाँ पर टर्म सेम थी, एक्स की पावर ए बी सी, यहाँ पर था बी ए सी, टर्म्स आगे पीछे हैं लेकिन सेम था, तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा हमारे पास कॉमन आ जाएगा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, तो ऊपर एक्स की पावर ए प्लस इससे ये कैंसिल, तो एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। अब देखो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या बन गया, सेम सेम आ गया, तो ये सारा का सारा आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर कितना आ गया हमारे पास वन। तो क्या लिखेंगे, देखो पूछा भी हमसे यही था, राइट हैंड साइड यहाँ पे वन ही बोला गया था हमें, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड, ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, इफ ए बी सी इज इक्वल टू वन प्रूव दैट वन अपॉन वन प्लस ए प्लस बी का इनवर्स प्लस वन अपॉन वन प्लस बी प्लस सी इनवर्स प्लस वन अपॉन वन प्लस सी प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू वन। अगेन हमें यहाँ भी क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल बनाना था, और ए बी सी हमारे पास गिवन था इक्वल टू वन। अब देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन क्या है हमारे पास, ए बी सी इज इक्वल टू वन, ये चीज गिवन है, तो यहां से हमारे पास देखो कितना आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू वन अपॉन बी, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस ए प्लस बी इनवर्स था, तो इसको लिख सकते हैं वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन वन प्लस बी प्लस सी इनवर्स था, तो वन बाई सी आ जाएगा, प्लस वन अपॉन वन प्लस सी प्लस ए इनवर्स था, तो वन अपॉन ए आ जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, वन अपॉन, अब देखो यहाँ पर क्या था, वन प्लस ए प्लस वन अपॉन बी, अब वन अपॉन बी की जगह मैं यहाँ पर ए सी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, हमें एक्चुअल में करना क्या है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, तो वन बाय बी की जगह मैं पुट कर दूंगी ए सी, प्लस वन अपॉन वन प्लस बी था यहाँ पे, तो यहाँ से देखो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, बी सिंपल रहा तो इज इक्वल टू वन अपॉन ए सी, ये भी आ जाएगा यहाँ पर, तो बी की जगह मैं क्या लिख लूंगी वन बाय ए सी, कितना लिखूंगी वन बाय ए सी प्लस वन अपॉन सी, इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस वन अपॉन, आगे क्या करेंगे देखो यहाँ पर वन प्लस सी प्लस वन अपॉन ए था, तो एलसीएम ले लेंगे ए, तो ऊपर आ जाएगा ए प्लस, यहाँ पर कितना आ जाएगा ए सी प्लस वन, ये चीज आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे देखो, ये वाली चीज वन बाय वन प्लस ए प्लस ए सी एज इट इज रहने दो, वन अपॉन यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास ए सी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी प्लस वन प्लस सी से सी कैंसिल, तो ए आ जाएगा, प्लस ए को सिंप्लीफाई कर दो न्यूमरेटर में चल जाएगा, तो ए अपॉन ए प्लस ए सी प्लस वन, ये चीज आ गई हमारे पास। अब वन अपॉन वन प्लस ए प्लस ए सी प्लस वन अपॉन ए सी प्लस वन प्लस ए अपॉन ए सी, सिंप्लीफाई करके सी ए सी ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ पर चल जाएगा न्यूमरेटर में ए सी, ठीक है, न्यूमरेटर में ए सी चला जाएगा, प्लस ए अपॉन ए प्लस ए सी प्लस वन। अब ध्यान से देखो न्यूमरेटर में हमारे पास सारा सेम है, वन प्लस ए प्लस ए सी, ए सी प्लस वन प्लस वन, ए प्लस ए सी प्लस वन, टर्म्स आगे पीछे हैं लेकिन डिनोमिनेटर हमारा सेम आ गया, तो क्या बन गया डिनोमिनेटर, क्या था हमारे पास वन प्लस ए प्लस ए सी, ये एलसीएम आ गया हमारे पास, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम इसको, इस चीज के साथ ये चीज कैंसिल वन आएगा, इस चीज के साथ ये चीज कैंसिल, तो ए सी आएगा प्लस ए।
अब देखो ये चीज और ये चीज, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या बन गए सेम. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ वन प्लस ए प्लस ए सी अपॉन वन प्लस ए प्लस ए सी, दोनों सेम है, आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल. तो आंसर कितना आ गया हमारे पास वन. और देखो यहां पर भी हमें क्या बोला था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड किसके इक्वल था वन के. तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल टू आ गया आरएचएस के और ये चीज प्रूव होगी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 इज इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स शो दैट अंडर रूट ए इनवर्स बी इंटू अंडर रूट बी इनवर्स सी इंटू अंडर रूट सी इनवर्स ए इज इक्वल टू वन. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो अंडर रूट ए इनवर्स बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट वन अपॉन ए इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं इंटू नेक्स्ट था हमारे पास बी इनवर्स सी और नेक्स्ट था अंडर रूट सी इनवर्स ए. हमें करना क्या था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ. तो इंटू करके अंडर रूट वन अपॉन बी इंटू सी, सेम यहां पर हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन सी इंटू ए. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट बी अपॉन ए इंटू अंडर रूट सी अपॉन बी इंटू अंडर रूट ए अपॉन सी. अब इंटू में था तो इसको मैं होल अंडर रूट बी अपॉन ए इंटू सी अपॉन बी इंटू ए अपॉन सी, ऐसे लिख सकती हूँ. ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, कितना है हमारे पास अंडर रूट वन. और अंडर रूट वन की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास वन. तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. लिखेंगे देयर फोर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड. ठीक है, ये चीज प्रूव होगी हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास इफ 9 की पार n इंटू 3 की पार 2 इंटू 3 की पार n माइनस 27 की पार n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पार 3 इज इक्वल टू 3 इनवर्स, प्रूव दैट m माइनस n इज इक्वल टू 1. तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 9 की पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2n. क्यों लिखा है 9 की पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 9 बन जाएगा और 2 इंटू n हमारे पास n आ जाएगा, इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर n माइनस 27 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तब कितना आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3 इंटू n, तो ये 3n हो जाएगा. अपॉन में कितना था हमारे पास 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने देंगे एज इट इज 3 की पावर माइनस 3. ठीक है, अब क्या आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2 और 3 की पावर n, फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे कौन सा, a की पावर n इंटू a की पावर m. जब बेस सेम होता था पावर डिफरेंट होती थी तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं एड, तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 2n प्लस 2 प्लस n माइनस 3 की पावर 3n अपॉन में कितना आएगा 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3. अब कितना आ गया हमारे पास, इनको ऐड कर देंगे 2n प्लस n, कितना आ जाएगा हमारे पास 3n, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 3 की पावर 3n अपॉन में आएगा हमारे पास 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3. अब देखो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 3 की पावर 3n, क्योंकि यहां भी कॉमन है यहां पर भी कॉमन है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3n कॉमन ले लेंगे, या फिर इसको पहले लिख लेते हैं हम 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को हम, माइनस 3 की पावर 3n अपॉन में आएगा हमारे पास 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3. तो अब कितना आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3n, हम क्या ले लेते हैं यहां से कॉमन, तो 3 की पावर 3n कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में कितना आएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में कितना आया हमारे पास 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3. ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3. अब देखो यहां से क्या आ गया हमारे पास, यहां से क्या आ गया हमारे पास 3 की पावर 3n था,
इंटू थ्री का स्क्वेयर, थ्री का स्क्वेयर होता है 9 माइनस 1 और अपॉन में हमारे पास आएगा 3 की पावर 3m इंटू 2 का क्यूब इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3 था, तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 3n, 9 से 1 लेस करते हैं तो आएगा हमारे पास 8, अपॉन में था 3 की पावर 3m इंटू 2 का क्यूब कितना होता है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आता है 8, अब 8 से 8 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा 3 की पावर माइनस 3, तो कितना रहा हमारे पास 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3। अब हमारे पास फॉर्मूला होता था a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर m, जब डिवाइड में होता था तब पावर्स हम क्या कर देते थे सब्ट्रैक्ट, तो ये फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 3n माइनस 3 की पावर m इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, हमें कंपैरिजन करना था m माइनस n इज इक्वल टू 1, ये चीज प्रूफ करनी थी, तो यहां से क्या आ जाएगा बेस हमारे पास सेम है पावर डिफरेंट है तो बेस आपस में कैंसिल हो जाएगा और पावर को हम एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा 3n माइनस 3m, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या लिया पावर्स को इज इक्वल टू माइनस 3। अब यहां से हम कॉमन क्या ले लेंगे, यहां से 3 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में कितना आएगा n माइनस m इज इक्वल टू माइनस 3, ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखो 3 से क्या आएगा n माइनस m इज इक्वल टू माइनस 3, ये वाला 3 इसके नीचे चला गया तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया n माइनस m इज इक्वल टू माइनस 1। अब साइन चेंज कर लेंगे, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो m एक्स साइन चेंज हो जाएंगे m माइनस n इज इक्वल टू 1, माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिया, इसको क्या कर सकते थे माइनस ब्रैकेट बाहर ले लिया तो n माइनस m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये माइनस और माइनस 1 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला मैं यहाँ ले आई तो साइन चेंज हो गए m माइनस n इज इक्वल टू 1, m माइनस n इज इक्वल टू 1, ये चीज आ गई हमारे पास और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करने के लिए बोला था तो क्या हो गया हमारे पास हैंस प्रूव्ड। ठीक है, थैंक यू क्लास।